एक महीने बीत चुके हैं सर, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्या कहेंगे? सरकार घमंड में है, दाल में काला है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी चुप है। उनको पता है कि इधर एक्शन लिया अपने सांसदों के खिलाफ और इधर उनकी सरकार गिरी जो कि ऑलरेडी गिरने की कगार पे है। हम किसी से भीख नहीं मांगते सर, हम लोग अपना हक और अधिकार मांगते हैं, हम बेटियों के इंसाफ मांगते हैं, हम बेटियों के न्याय मांग रहे हैं, हम सरकार से राज्यसभा की कुर्सी नहीं मांग रहे, हम सरकार से संसद नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से मिलने की टिकट नहीं मांग रहे, हम सरकार से सिर्फ बेटियों का न्याय मांग रहे हैं। ना पहलवान राजनीति कर रहे, ना वे राजनीति के शिकार है, पहलवान कर रही है वो राजनीति कर रही है यहाँ की सरकार। ये लोग पदक लेके आते हैं, ट्रॉफीज लेके आते हैं, यही प्रधानमंत्री जी उनका वेलकम कर रहे होते हैं, और आज जब महिलाएं इतना बड़ा दुष्कर्म उनके साथ हुआ है, क्या उनको इनके साथ नहीं रहना चाहिए, इनको न्याय नहीं दिलवाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? शर्म है, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अभी कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है तो क्या करा जाए? आंदोलन कामयाबी की तरफ जा रहा है और कामयाब होगा, आज का दृश्य देख के मैं आश्वस्त हूं कि ये कामयाब होगा। और हम देख रहे हैं कि भूषण की गिरफ्तारी अभी 20 दिन के बाद भी नहीं हुई है, तो सरकार क्या इसको नजरअंदाज कर रही है, इनको कितना महंगा पड़ेगा? सरकार को घमंड है, जिसके खिलाफ मुकदमे उसको छोड़ रखा है कि तू बोल जो कुछ बोलना, क्योंकि देश में संविधान में कानून में वो बोलने की आजादी है, सब विरोध जताने की भी आजादी है, जिसको आपको लगता है फिर जो 28 तारीख को जो आपने कॉल दिया आपको वहाँ पे जाने दिया जाएगा नई संसद में? हमने कहा है कि उनकी तलाशी लेके और उनके पास बनवा के भेज दो। लग रहा है आपको दिल्ली पुलिस अलाउ करेगी? हाँ करेगी। अच्छा करेगी। सर क्या कुछ कह सर, क्या कारण लगता है सर आपको कि आपने वो बोला था कि हम क्या हमारे देश में दो अलग अलग कानून है, क्या आपको अभी भी लगता है कि देश में अलग अलग कानून चल ही रहे हैं? कानून है, दो अलग अलग कानून है, एक एक सरकार का कानून है, एक जनता का कानून है। सरकार के साथ में जो शामिल हो जाएगा उसके लिए लिबरल कानून है, और जो विपक्ष में रहेगा या सरकार का विरोध करेगा तो उसके लिए दूसरा कानून है। आपको क्या लगता है सर कि अगर हरियाणा में एक दो महीने बाद चुनाव होने होते तो बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती? पता नहीं, चुनाव से तो इसका कोई संबंध है नहीं। आपको नहीं लगता ऐसा कि चुनाव से संबंध नहीं है? क्यों फिर बृजभूषण को बचाया जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं लोग? अच्छा वे तो किसने लगाया आरोप? नेता कह रहे कि ये लोग राजनीति, कौन नेता का? भाई बृजभूषण तो मुलजिम है जिसको जेल में रहना चाहिए था, अब अगर मुलजिम को बोलने की आजादी है तो कहेगा ही, अपना बचाव पक्ष तो कहेगा ही। बिल्कुल, उसके बयान, उसके बयान ऑथेंटिक बयान नहीं होते। अच्छा, जो उनके नार्को की भी डिमांड करी उसके बारे में आप, अब जो मीडिया है वो उसको ऐसा घुमा के चला रहा है कि देखो। अरे मीडिया तो चलाएगा ही भाई, मीडिया का और काम क्या रहेगा? ये जब मीडिया को आजादी हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक दिखाएगा, लेकिन अभी कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है तो क्या करा जाए? क्या लगता है सर आपको कि चले, हमारी गाड़ी तो इधर ही है, इधर से निकल गई। सर आखिरी सवाल ये है कि जी आपको लगता है सरकार कैसे नहीं, ये यहाँ से यहाँ है, यहाँ से निकल जाएंगे, ये जहाँ ही है ना। पहलवान राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के शिकार हो रहे हैं? ना पहलवान राजनीति कर रहे, ना वे राजनीति के शिकार है, पहलवान कर रही है वो राजनीति कर रही है यहाँ की सरकार। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जापान हैं और देश की बेटियां सड़कों पर हैं, जो भारत देश की बेटियां गोल्ड लेकर आती हैं, भारत देश का नाम रोशन करती हैं, उन्हीं भारत देश की बेटियों को देश के प्रधानमंत्री ने सड़क पर बिठाया है। और लड़ाई हम किसी से भीख नहीं मांगते सर, हम लोग अपना हक और अधिकार मांगते हैं, हम बेटियों के इंसाफ मांगते हैं, हम बेटियों के न्याय मांग रहे हैं, हम सरकार से राज्यसभा की कुर्सी नहीं मांग रहे, हम सरकार से संसद नहीं मांग रहे, हम सरकार से मिलने की टिकट नहीं मांग रहे, हम सरकार से सिर्फ बेटियों का न्याय मांग रहे हैं सर, वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए ये बात का जवाब आपको नरेंद्र मोदी दे पाएंगे, नरेंद्र मोदी जी अब तक गिरफ्तार नहीं करा पाए ब्रजभूषण।
वो भला हो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान का, जिनकी बदौलत सुप्रीम कोर्ट से हमने FIR दर्ज कराई, वरना इस देश की सरकार तुम पे FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी। ये मैं आपको बता दूँ, पॉक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, सोच लीजिए 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। उनके खुद के सांसद जब इस तरह के दुष्कर्म करते हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। भाई एक बात बताइए, उनके ऊपर 38 चार्जेस हैं, करप्शन चार्जेस, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? और अब ये दो और मिल गए जाकर 40 हो गए। खामोश क्यों है, आखिर वजह क्या है? क्योंकि उनके खुद के मंत्री इस तरह से जब ये खुद ही करप्ट हैं तो भाई उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सच है वो सामने आ जाएगा, तो उनको डर लगता है कि क्या उनका पर्दाफाश हो जाएगा इसलिए। और अब 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो 2000 में दाल में काला है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी चुप है। उनको पता है कि इधर एक्शन लिया अपने सांसदों के खिलाफ और इधर उनकी सरकार गिरी जो कि ऑलरेडी गिरने की कगार पे है, तो इसीलिए ढका जा रहा है। और ये सरासर ये दिखाता है कि दाल में कुछ ज़्यादा ही काला है, तो ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है। हमें वो भी दिन याद है कि जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था और इन्हीं खिलाड़ियों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी थी, अपने आप उनके लिए बहनों को बहनें लिखते हुए इनको संबोधित किया था, तो शर्म आ रही है कि अपने आप को भाई कहने वाले इन्हें बहनें कहने वाले और आज किसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लगातार दाल में काले को सिद्ध करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जब ये लोग पदक लेके आते हैं, ट्रॉफीज लेके आते हैं, यही प्रधानमंत्री जी उनका वेलकम कर रहे होते हैं, और आज जब महिलाएं इतना बड़ा दुष्कर्म उनके साथ हुआ है, क्या उनको इनके साथ नहीं रहना चाहिए? इनको न्याय नहीं दिलवाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? शर्म है, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को भी, और उनके सारे उनका बीजेपी की जो सरकार है इन सबको शर्म आनी चाहिए कि कोई न्याय नहीं किया जा रहा है इनके साथ।